मैं गर्व से कहता हूं कि मैं ब्राह्मण हूं। मैं वो दधीच हूं जो विश्व कल्याण के लिए अपनी हड्डियां दान करने से पहले दो बार नहीं सोचता। मैं वो परशुराम हूं जो श्री राम जैसे मर्यादा मूर्ति क्षत्रियों को अपनी सारी शक्तियां सौंप देता है। मैं वो चाणक्य हूं जो एक वंचित वनवासी को उठाकर भारतवर्ष के राज सिंहासन पर बिठा देता है। मैं वो आदि शंकराचार्य हूं जो अपने असीम ज्ञान के प्रताप से समूचे भारतवर्ष को एक भगवत ध्वज के तले ला खड़ा करता है। मैं रामकृष्ण परमहंस हूं जिसकी शरण में आने वाला स्वामी विवेकानंद हो जाता है। मैं समर्थ स्वामी रामदास हूं जो छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा शिष्य देके इस धरा को धन्य कर देता है। मैं पेशवा बाजीराव बलाड हूं जो एक राजपूत राजा के स्वाभिमान के लिए थाली में सजा हुआ भोजन छोड़कर रणभूमि की ओर चल पड़ता है। मैं मंगल पांडे हूं जो स्वाधीनता के मस्तक पर तिलक बनकर जगमगाता है। मैं राजगुरु हूं, मैं तात्या टोपे हूं, रामप्रसाद बिस्मिल हूं, परमवीर कैप्टन मनोज पांडे हूं, मैं चंद्रशेखर तिवारी आजाद हूं। मैंने अपने रक्त से इस वीर प्रसूता धरती का अभिषेक किया है, इसलिए बच्चे बच्चे को जबानी याद हूं। मैं वीर सावरकर हूं जो अंडमान की सेलुलर जेल में दो कटोरा पानी पी के स्वाधीनता के स्वप्न को जीवित रखता है। मैं बाल गंगाधर तिलक हूं जो भारतवर्ष को एक बार फिर अपनी संस्कृति पर गर्व करना सिखाता है। मैं दयानंद सरस्वती हूं जो अंग्रेजों के पथभ्रष्ट किए हुए भारत को संदेश देता है, वेदों की ओर लौटो। मैं ही इस यशस्वी ब्रह्मकुल की बेटी रानी लक्ष्मीबाई हूं जो मातृभूमि की रक्षा के लिए फिरंगियों के बदन में अपनी तलवारों का लोहा उतार देती है। हम ब्राह्मण हैं, जन्मजात तपस्वी हैं, साधक हैं। हम संगीत की साधना करते हैं तो तानसेन बन जाते हैं, स्वर साधना करते हैं तो लता मंगेशकर कहलाते हैं, और शब्द साधना करते हैं तो महाकवि कालिदास और गोस्वामी बाबा तुलसीदास के नाम से अमर हो जाते हैं। आर्यभट्ट, वराहमिहिर, श्रीनिवास रामानुजम, वेंकट रमन, रामकृष्णन, हजारों लाखों यशस्वी ब्राह्मणों के नाम हमारे ब्रह्म पटल पर स्वर्णाक्षरों में अंकित हैं। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं यह किस्सा रह जाएगा आधा, किस किस के मैं नाम गिनाऊं, सांसें कम हैं लोग से ज्यादा।